माय चैनल। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिए। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड कॉफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल में पानी। ये मैंने आधा ग्लास पानी लिया है जिसे मैंने गर्म करने रख दिया है। और उसके बाद मैं इसमें ये सैशे यूज कर रही हूँ नेस्कैफे क्लासिक का। तो मैं इसमें डालूंगी कॉफी। मैंने इसमें एक चम्मच कॉफी पाउडर डाला है और अब इसको हम अच्छे से खौला लेंगे ताकि जो हमारा कॉफी है वो अच्छे से खौल जाए और अच्छा फ्लेवर दे। मेरी कॉफी अच्छे से खौल गई है, अच्छे से बॉईल आ गया है इसमें। और मैं यहाँ पे गैस को बंद कर दूंगी और अपनी कॉफी को थोड़ा ठंडा कर लूंगी क्योंकि हम इसे कांच के ग्लास में डालेंगे तो हम इसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मेरी कॉफी ठंडी हो चुकी है और मैंने लिया है कॉफी जार और इसके अंदर डालूंगी मैं सबसे पहले आइस। और इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी कॉफी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिल्ड एकदम दूध। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। चीनी को आप घर पे पीस के शुगर पाउडर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो चम्मच शुगर पाउडर डाला है और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। चीनी हमारी अच्छे से इसमें घुल जाए। और अब मैं इसके ऊपर रखूंगी आइसक्रीम स्कूप और इसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे चॉकलेट से। और अब मैं इस पर चॉकलेट से गार्निशिंग करूंगी थोड़ी सी। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप। ये मेरी कोल्ड कॉफी एकदम रेडी है। और आप मेरी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। गर्मियों के मौसम में अपने घर में जरूर बनाएं। बहुत ही चिल्ड है, दूध भी यूज हो जाता है, कॉफी भी सबको बहुत अच्छे से पसंद आती है और ये बहुत ही